for concluding remarks. Co-author of the book, of this work, Dr. Atiq Uz Zafar Khan, Director General of International Institute of Islamic Economics, to come and share his views. इंसान ज़िंदगी में ज़ाहिर है बहुत से लोगों से सीखता रहता है अपने बहुत सारे असातिज़ा से ताकि तलबा से अपने कुलीग से मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि यहाँ कम से कम चार बोस्तियाँ मौजूद हैं जिनसे फॉर्मली क्लासरूम में सीखने का मौका मिला डॉक्टर अमीर साहब इस्लामिक स्टडीज़ के मज़ामीन हमें पढ़ाते रहे डॉक्टर सैयद ताहिर साहब इकनॉमिक्स के बेशतर मज़ामीन हमने डॉक्टर साहब से पढ़े डॉक्टर फहीम खान साहब इकोनॉमेट्रिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के मज़ामीन पढ़े और डॉक्टर सैयद ताहिर जाली साहब मौजूद हैं और तशरीफ लाए जो आजकल मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनसे भी सीखने का मौका मिला यहाँ पे उनके अलावा दीगर मेहमान तशरीफ लाए डॉक्टर यास साहब डॉक्टर खालिद रहमान साहब मोहतरम डॉक्टर ताहिर मंसूरी साहब और सामने में बैठे मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरफ से उन सब की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और इस महफिल को एक बारौनक महफिल बनाए और उनकी जो इल्म से सबको इस्तेफादा करने का मौका मिला मुख्तसर वक्त में उन्होंने जो नुकात यहाँ पे बयान किए वो हम सब के लिए मशाल राह हैं और हमारे लिए आगे के लिए मंजिल का तयन करते हैं प्रेसिडेंट इस्लाम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और रेक्टर इस्लाम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने भी इस्लामी इदारे इक्तसादियात के हवाले से कुछ इशार फरमाया कि इस इदारे ने माजी में यकीनन एक बहुत अहम किरदार अदा किया और सन 80 की दहाई में जो इस्लामाइजेशन का काम हुआ उसमें एक लीडिंग रोल अदा किया बदकिस्मती से दरमियान में एक ऐसा अरसा है कि जिसमें इसमें इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरफ से तवज्जो बिल्कुल हटी रही इस वक्त यह है कि हम इसका एतराफ़ करते हैं कि उस पहलू से कमज़ोरी पाई जाती है और कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस ज़्यादा है और इस्लामिक इकोनॉमिक्स निस्बतन हमारी तवज्जो से महरूम है इसमें यकीनन हम सारे साथी मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक इकनॉमिक्स को दोबारा से मेन स्ट्रीम और बुनियादी तवज्जो का मुस्तहिक बनाया जाए इसके लिए हमने गुज़िश्ता साल अपने तमाम बीएस से लेके पीएचडी तक के प्रोग्राम्स को भी रिवाइज़ किया है और उसके अंदर इस्लामी इकनॉमिक्स के मजामीन को पहले से ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश की गई है रिसर्च का पहलू भी यकीनन इस हवाले से है कि हमारे यहाँ एमएस और पीएचडी सतह की अच्छी तादाद में तलबा डिग्रियाँ लेके फारिग हो रहे हैं मतलब एमएस के कम से कम औसतन 50 तलबा और पीएचडी के भी 5-6 तलबा हर साल फारिग हो रहे हैं इसमें रिसर्च के हवाले से हमें लगता है कि तलबा का रुझान इस्लामी माशियात के मौजूदात मुंतखब करने में नहीं है उसमें यकीनन उनका कसूर कम और असातिज़ा का कसूर ज़्यादा है कि वो तलबा में ये शौक़ पैदा नहीं कर सकते कि वो अपने रिसर्च के लिए मौजू का इंतखाब इस्लामी माशियात के मैदान में से करें इसमें हम सब जानते हैं कि जिस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा काश्त हो रही हो उसमें पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है उससे आउटपुट हासिल करना मुश्किल होता है और जो ज़मीन तवील अरसे से खाली हो उसमें पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होती है और कम मेहनत के साथ ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है तो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स एक सैचुरेटेड फील्ड है इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन हो चुका है इसमें दुनिया के बड़े बड़े दिमाग इस काम में लगे हुए हैं इस्लामी माशियात का मैदान ऐसा है कि जो अभी खाली है और इसमें जो शख्स थोड़ी कंट्रीब्यूशन भी करे तो वो नुमाया हो जाता है इसमें हम अपनी मिसाल देखेंगे ये किताब अगर कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की किताबों से कंपेयर करें तो शायद
ہزارواں حصہ بھی نہیں بنے لیکن اسلامی معاشیات میں کنٹریبیوشن کے لحاظ سے بہرحال یہ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن سامنے آئی ہے. تو میں طلبہ سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ اپنے ایم ایس سی ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول پہ جو بھی ان کا ریسرچ ورک ہے اس کے لیے اسلامی معاشیات کے موضوعات کو منتخب کریں, اس میں اپنا وقت لگائیں. اس میں یقیناً ہمارے لیے دوہرا فائدہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت سے وابستہ ہو کے اور معاشیات کی تعلیمات اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو دینی لحاظ سے بھی اجر حاصل کرنے کا پہلو ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارا وہ اکیڈیمک کنٹریبیوشن بھی پورا ہو جائے گا کہ جس کی بنیاد پر ہمیں ڈگری ایوارڈ کی جا سکے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں تمام مہمانوں کا, طلبہ کا, ہماری خواتین اساتذہ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ایک طویل وقت یہاں پہ گزارا, اور تمام بالخصوص ہمارے جو مقررین تھے انہوں نے اپنے قیمتی علمی جو نکات پیش کیے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب مل کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.